एक वीवर का क्वेश्चन है कि गेट रीड ऑफ क्या है, यानी स्पोकन इंग्लिश में हम कब बोलें गेट रीड ऑफ। तो आइए फ्रेंड्स उनकी कंफ्यूजन को खत्म करते हैं। गेट रीड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना या किसी चीज से पीछा छूटना। आइए इस बात को एग्जांपल्स में बेहतर तरीके से समझें। मैं अपने पुराने मोबाइल से छुटकारा पाना चाहता हूँ, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ माई ओल्ड मोबाइल, यानी मैं अपनी पुरानी मोबाइल से छुटकारा पाना चाहता हूँ। मैं अपनी पुरानी मोबाइल से छुटकारा पाया, यानी अगर आपका सेंटेंस पास्ट में है तो आप गेट के जगह पर गॉट का इस्तेमाल करेंगे, यानी सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। आप कहेंगे आई गॉट रीड ऑफ माई ओल्ड मोबाइल, यानी मैंने अपनी पुरानी मोबाइल से छुटकारा पा लिया। मैं आपसे छुटकारा पाना चाहता हूँ आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ यू, यानी मैं आपसे छुटकारा पाना चाहता हूँ। अगर आपको कहना हो मुझे खराब नेटवर्क से छुटकारा कब मिलेगा, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे When will I get rid of bad networks? यानी मुझे खराब नेटवर्क से छुटकारा कब मिलेगा। मुझे अपने बुरे दोस्तों से छुटकारा मिला, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे I got rid of my bad friends, यानी मुझे अपने बुरे दोस्तों से छुटकारा मिला। उसे नशा से छुटकारा मिला, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे He got rid of addiction, यानी उसे नशा से छुटकारा मिला। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि यह टॉपिक आपको शानदार तरीके से समझ में आया कि गेट रीड ऑफ क्या है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर जानने के लिए आप मेरे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छा लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।